आज पौष शुक्ल पूर्णिमा यह दिन मल्लार भक्त भगवान खंडोबा और भगवती मालसा देवी के विवाह के रूप में मनाते हैं। इसी श्रृंखला में नागपुर स्थित खंडोबा देवस्थान में यह पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। गौरतलब है कि नागपुर में मल्लार भक्तों का विशेष केंद्र है खंडोबा देवस्थान, जहां प्रतिदिन पूजा अर्चना की जाती है। और आज के विशेष दिन के महत्व को ध्यान में रखते हुए खंडोबा देवस्थान प्रशासन द्वारा विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था, जहां मल्लार मार्तंड कथा एवं पारंपरिक गीतों के साथ समा मल्लार में बन गया, जहां विशेष रूप से भगवान खंडोबा की मूर्ति को फूलों से सजाया गया था, जिनके समीप एक और मालसा और एक और बानू ऐसी शुभंकर मूर्ति प्रतीत हो रही थी। इस विवाह समारोह की सुंदरता को निखारने की दृष्टि से खंडोबा भक्तों ने एक छोटी बच्ची को मालसा के रूप में सजाया था, जिससे पूरे शुभ योग का चित्रण हुआ। और खंडोबा देवस्थान यह पिछले 40 साल से मना रहा है, जब बाकायदा घोड़े और बग्घी समेत खंडोबा और मालसा की बारात भी निकाली जाती है और सभी भक्त बाराती के रूप में शामिल होते हैं, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। येड़कोट येड़कोट जय मल्लार सदानंदाचा येड़कोट। दर्शकों, आज है पौष शुद्ध पूर्णिमा, जो है मल्लगिरी संहारक मार्तंड भैरव खंडोबा और माँ म्हाड़सा का विवाह समारंभ। और इस विवाह समारंभ को पीढ़ी दर पीढ़ी जो है खंडोबा भक्त मना रहे हैं। माना जाता है कि पौष महीना शादी के लिए योग्य नहीं होता, लेकिन महाकाल के स्वरूप शिव के स्वरूप खंडोबा के सामने किसी भी विपरीत परिस्थिति विपरीत योग का कोई भी असर नहीं पड़ा और उन्होंने माँ पार्वती का स्वरूप रहने वाली माँ म्हाड़सा के साथ पौष शुद्ध पूर्णिमा के दिन विवाह रचाया। और वही जो है समारंभ सभी भक्त बड़ी ही खुशी और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं नागपुर के खंडोबा देवस्थान में। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं बाराती पहुंच चुके हैं, खंडोबा की जो है पालकी सज चुकी है, सभी ने जो है पीला भंडारा लगाया हुआ है और जो माहौल है पूरा मल्हारमय पूरा मार्तंडमय हो चुका है और पूरी तरह से गीत गाए जा रहे हैं। मंगल गीतों की धुन में जो है ये पूरा जो है वातावरण मंगल गीत गाए जा रहे हैं। पारंपरिक गीतों के साथ जो है मल्हार मार्तंड की जो है विवाह समारंभ यहाँ मनाया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ मंदिर के पदाधिकारी मौजूद है। किस प्रकार का महत्व है खंडोबा की यह विवाह समारंभ का, पौष पूर्णिमा का? हर पौष पूर्णिमा को खंडोबा का लग्न सोहरा जो है अच्छा किया जाता है। इसमें बैंड बग्घी घोड़े के साथ में बारात, बैंड बग्घी घोड़े के साथ में जो है और पूरी पालकी वगैरह पूरे बस्ती में घुमाई जाती है। उसके उपरांत में यहाँ शादी वगैरह का समारोह मंगल अष्टक होते हैं, बाद में आरती वगैरह के बाद महाप्रसाद होता है जिसमें 10,000 लोग खाना खाते हैं। और ये प्रोग्राम हम लोग 40 वर्षों से करते आ रहे हैं, दिन ब दिन इसमें प्रतिसाद मिलते जा रहा है भक्तों जनों को। जो भक्तों की जो इच्छा होती है उनका मनोरथ भगवान पूरे करते हैं और भी, और हर साल इसमें बढ़ाई। शोभा यात्रा में जो शोभा यात्रा किस प्रकार से शहर में भ्रमण करती है, किन किन जगह जाती है शोभा यात्रा? यहाँ मंदिर से निकलकर कटोर मार्केट चौक, वहां से गणेश पेट के पूरे बस्ती में घूमती है। उस वक्त में भक्तगण वहाँ पे उनके सेवा के हिसाब से पाव धोना ये करता, रांगोली और ये प्रसाद वितरण वगैरह का सभी कार्य करते हैं। मैं मनोहर कबले, मैं इस देवस्थान का ट्रस्टी, और हमारे जो ट्रस्टी है श्री ठेंगे साहब, राजे जयसिंह जी, हेमंत सिरके और बाकी हमारे जो सिरके महाराज दूसरे हैं और राजकुमार और अपने मनोज भाव साहब है, मोहन यादव, इनके उपस्थित में ये जो अनिल जगताप, ये इन लोगों के श्रम से और बाकी लोगों के कोऑपरेशन से ये मंदिर का उद्धार हो रहा है। इस मंदिर में जो पहली स्थिति थी और आज की स्थिति जमीन आसमान का फर्क हो गया है। हमें और भी यहाँ 3 मंजिली बिल्डिंग बनाना है, इसके लिए सहयोग आप लोगों का ही चाहिए। हमारे भक्तगण हमको जरूर सहयोग करेंगे और यार नेक्स्ट ईयर से हमारा ये साल से काम चालू होने की हम अभिलाषा रखते हैं। 3 मंजिल का देवस्थान ले लेते, भक्तजनों के लिए बहुत सारा ये स्थान मिल जाएगा। धन्यवाद। जिस प्रकार से आपने जाना पौष शुद्ध पूर्णिमा अर्थात मल्हार मार्तंड भैरव बाबा खंडोबा जो कि सबके आराध्य दैवत है और माँ म्हाड़सा का विवाह समारंभ भक्त बड़ी ही खुशी और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, जिस प्रकार से जो है खंडोबा देवस्थान
में मनाया जाता है, उसी प्रकार से जो है नागपुर में भी आप बड़ी हर्षोल्लास के साथ खंडोबा भक्त यह पर्व मनाते हैं। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मैं मनीष टेंडरे, NBC News के लिए नागपुर।